नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा आपके सामने फिर उपस्थित हूँ कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 का तीसरा पाठ लेकर, जिसका नाम है शब्द परिचय तृतीय। इस पाठ में नपुंसकलिंग शब्दों के विषय में बताया गया है। प्रस्तुत पाठ शब्द परिचय तृतीय, यहाँ संस्कृत वाक्य लिखे हुए हैं और यहाँ इनका हिंदी अर्थ लिखा हुआ है। आइए पढ़ते हैं पाठ। एतत् किम्, इस चित्र को ध्यान से देखें। यह चित्र इन संस्कृत वाक्यों के बिल्कुल समीप है, इसलिए इस चित्र के विषय में अगर कोई सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होगा तो वह होगा यह, और अगर यह चित्र दूर होता है तो फिर शब्द प्रयुक्त होगा वह। नपुंसक लिंग में यह के लिए संस्कृत में शब्द होता है एतत् यानी यह। इस चित्र में देखें, ये जो तीर का निशान लगा है, इस कुदाली यानी फावड़े के विषय में पूछा जा रहा है। एतत् किम्, एतत् का अर्थ है यह और किम का अर्थ है क्या, या हिंदी अर्थ है इसका यह क्या है। इस कृषि औजार के बारे में पूछा जा रहा है कि यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, एतत् यानी यह, खनित्रम यानी कुदाली अर्थात फावड़ा, अस्ति यानी है, यह कुदाली है। श्रमिका खनित्रम चालयति, श्रमिका, इस शब्द को ध्यान से देखें। मजदूर को संस्कृत में कहते हैं श्रमिक, तो पुल्लिंग रूप है श्रमिक और उसका स्त्रीलिंग रूप है श्रमिका यानी मजदूरनी। खनित्रम यानी कुदाली फावड़ा, चालयति अर्थात चला रही है, मजदूरनी अर्थात महिला मजदूर कुदाली चला रही है। ये संस्कृत वाक्य और चित्र है इनसे दूर। अब इस चित्र के विषय में पूछा जाएगा, इसको इंगित किया जाएगा, तो शब्द प्रयुक्त होगा वह, और नपुंसक लिंग में वह के लिए शब्द है तत्। आइए पढ़ते हैं। तत् किम्, वह क्या है, इस चित्र के विषय में पूछा जा रहा है वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम घर है। किम् अत्र भीतिकम अस्ति, किम् यानी क्या, अत्र यानी यहाँ, भीतिकम अर्थात दीवार, अस्ति यानी है, क्या यहाँ दीवार है अर्थात इस विश्राम गृह में दीवार बनी हुई है क्या, ऐसा पूछा जा रहा है। अत्र भीतिकम न अस्ति, अत्र यानी यहाँ, भीतिकम यानी दीवार, न अस्ति नहीं है, नहीं यहाँ दीवार नहीं है। एते के, इस चित्र को ध्यान से देखें, इसमें ये जो सुनार है इसके हाथ में ये दो अंगूठियां हैं, जहां ये तीर का निशान लगा हुआ है यहाँ देखें, ये दो अंगूठियां हैं। इन अंगूठियों के विषय में पूछा जा रहा है। एते के, एते का अर्थ होता है ये दो। इससे पहले हमने पढ़ा एतत यानी यह एक वचन में, और द्विवचन में होता है एते यानी ये दो, के यानी क्या या कौन, एक वचन में होता है किम, द्विवचन में होता है के। किम का अर्थ है एक वचन क्या, और के का अर्थ है दो वस्तुओं के लिए पूछा जाएगा के। तो एते के, ये दो क्या हैं। एते अंगुलीय के स्तः, ये दो अंगूठियां हैं। स्वर्णकार अंगुलीय के रचयती, स्वर्णकार अर्थात सुनार, अंगुलीय के अर्थात दो अंगूठियां, रचयती यानी बना रहा है। अंगूठी को संस्कृत में कहते हैं अंगुलीयकम अर्थात अंगूठी, द्विवचन में अंगुलीय के और बहुवचन में अंगुलीयकानि, तो ये दो अंगूठियां हैं, इसलिए शब्द प्रयुक्त होगा अंगुलीय के। ते के, वे दो क्या हैं। अब चित्र इन संस्कृत वाक्यों से दूर है, इसलिए वे दो क्या हैं। वह एक वचन में कहते हैं तत् और द्विवचन में कहते हैं ते, तो वे दो क्या हैं। ते बस याने स्तः, वे दो बसे हैं। ते बस याने कुत्र गच्छतः, वे दोनों बसें कहाँ जा रही हैं। एक बस को कहते हैं बस यानम, दो हैं तो बस याने, और अनेक होती तो बस यानानी, तो दो हैं इसलिए ते बस याने कुत्र गच्छतः, वे दो बसें कहाँ जा रही हैं। ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही हैं। एतानी कानी, अब चित्र इन संस्कृत वाक्यों के समीप है, इसलिए यह का प्रयोग होगा। हमने एक वचन में पढ़ा एतत् यानी यह, द्विवचन में एते यानी ये दो, और अब बहुवचन में एतानी अर्थात ये सब। कानी किम के कानी, किम का बहुवचन रूप है कानी यानी क्या या कौन, ये सब क्या हैं। एतानी
कर वस्त्राणी संति, ये सब कर वस्त्राणी अर्थात रुमाल हैं। किम एतानी पुराणानी, क्या ये रुमाल अर्थात ये सब रुमाल पुराने हैं? न, नहीं। एतानी तु नूतनानी, ये तो नए हैं। तानी कानी, चित्र दूर है इसलिए शब्द प्रयुक्त होगा वह। एक वचन में होता है तत्, द्विवचन में हमने पढ़ा ते, और बहुवचन में होगा तानी। तो तानी कानी, वे सब क्या हैं? तानी कदली फलानी संति, वे सब केले हैं। किम तानी मधुराणी, क्या वे सब मीठे हैं? आम, आम का अर्थ है हाँ। तानी यानी वे सब मधुराणी, मीठे, पोषकाणी च, और पोषक हैं। च का अर्थ होता है और, वे मीठे भी हैं और पोषक भी हैं। इस पाठ में एतत और तत, इन दोनों का नपुंसक लिंग रूप पढ़ा। एतत का नपुंसक लिंग रूप होता है एतत, एते, एतानी। एतत अर्थात यह, एते ये दो, और एतानी ये सब। वाक्य कैसे बनाए इनसे? एतत फलम, यह फल। एते फले, ये दो फल। एतानी फलानी, ये सब फल। दूसरा शब्द है तत यानी वह, इसके नपुंसक लिंग में रूप चलेंगे तत, ते, तानी, अर्थात तत मानी वह, ते यानी वे दो, और तानी वे सब। वाक्य प्रयोग कैसे करें? तत फलम, वह फल। ते फले, वे दो फल। तानी फलानी, वे सब फल। आइए अब चर्चा करते हैं अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। हम उच्चारण के साथ साथ इन शब्दों का अर्थ भी समझेंगे। फलम अर्थात फल, द्वारम अर्थात दरवाजा, सूत्रम धागा, गृहम घर, विमानम हवाई जहाज, छत्रम छाता, पात्रम बर्तन, कमलम कमल, भवनम भवन अर्थात मकान, पुष्पम फूल, पुस्तकम पुस्तक, जलम अर्थात पानी। अगला प्रश्न है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, इन चित्रों को देखकर नीचे लिखे गए पदों का उच्चारण कीजिए, ताकि हम जान पाएं कि संस्कृत में इन्हें क्या कहते हैं। पहला है पत्ता, इसे संस्कृत में कहते हैं पर्णम। दूसरा है खिलौना, क्रीडनकम, नारियल, नारिकेलम, कंप्यूटर, संगणकम, खिड़की, वातायनम, सीढ़ी, सोपानम, बगीचा, उद्यानम, चश्मा, उपनेत्रम, कंघा, कंकतम। दूसरा प्रश्न है वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत, वर्ण संयोजन करके, इन वर्णों को जोड़ करके शब्द बनाएं और सामने दिए गए इस बॉक्स में लिखें। देखें कैसे शब्द बनाते हैं। प और अ, ये दोनों मिलके बनेंगे प। ये र आधा है क्योंकि इसके आगे स्वर नहीं है, इसलिए र आधा रहेगा। ण और अ मिलकर के ण, म फिर आधा रहेगा, इसके आगे स्वर नहीं है। ये र आधा इस ण के ऊपर चला जाएगा और शब्द बनेगा पर्णम अर्थात पत्ता। अगला शब्द देखें ख नि त र अ अर्थात त्र, और म हलंत है तो खनित्रम। प उ र आ ण आ न ई पुराणानि, प ओ पो श का णी पोषकाणी। आगे है क, ये ng हलंत है, आगे स्वर नहीं है तो ऐसे ही आधा लिखा जाएगा। क के आगे स्वर है अ तो दोनों मिलकर क, फिर आगे त और म हलंत, कंकतम अर्थात कंघा। अगला प्रश्न है अधोलिखितानाम पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरुत, पिछले प्रश्न में वर्ण विच्छेद दिया हुआ था, उनको जोड़कर शब्द बनाने थे, और इस प्रश्न में शब्द दिए हुए हैं, इनका वर्ण विच्छेद करना है। जैसे उदाहरण देकर समझाया है व्यजनम, व आधा लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें स्वर नहीं है तो इसके आगे हमें अ आ ई ई ऐसा कुछ नहीं जोड़ना है, तो हमने लिख दिया व हलंत, य में अ तो य प्लस अ, ज ज प्लस अ, और न न प्लस अ, और म हलंत व्यजनम। इसी तरह देखें पुस्तकम, प उ स आधा है इसलिए इसमें अ आ
आदि स्वर नहीं आएंगे। त अ क अ म पुस्तकम, भीतिकम भ ई, त त ई क अ म भीतिकम। नूतनानि नु, त ना नि। वातायनम वा ता य न म। उपनेत्रम उ प ने त्र म उपनेत्रम। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, चित्रों को देखकर संस्कृत पद लिखिए, अर्थात इन्हें संस्कृत में क्या कहते हैं ये लिखना है। यह आम, इसे कहते हैं आम्रम। पत्ता पर्णम, पंखा व्यजनम, रुमाल करवस्त्रम, धागा सूत्रम, छाता छत्रम। अगला प्रश्न है, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, इन चित्रों को देखते हुए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, किम पतति, अर्थात क्या गिर रहा है। इस चित्र में देखें और पता लगाएं कि ये क्या गिर रहा है। ये है फल, और संस्कृत में फल को कहते हैं फलम। पतति गिर रहा है, फलम पतति, फल गिर रहा है। मयूरव किम कुरुतः, ये दो मोर क्या कर रहे हैं। मयूरव नृत्यतः, ये दो मोर नाच रहे हैं। एते के स्तः, ये दो क्या हैं। एते क्रीडनके स्तः, ये दो खिलौने हैं। कानि विकसन्ति, क्या खिल रहे हैं। पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिल रहे हैं। बालिकाः किं कुर्वन्ति, ये बालिकाएं क्या कर रही हैं। बालिकाः पठन्ति, बालिकाएं पढ़ रही हैं। अगला प्रश्न है, निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत, ये जो वाक्य दिए गए हैं इनको कोष्ठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार बदल कर आगे लिखना है। एतत् पतति, यह गिरता है, इसका बहुवचन रूप बनाना है। एतत् का बहुवचन रूप होता है एतत् एते एतानि, तो हमने लिख दिया एतानि। पतति का बहुवचन पतति पततः पतन्ति, तो लिख दिया पतन्ति, और वाक्य बना एतानि पतन्ति, ये सब गिरते हैं। अगला प्रश्न है, एते पर्णे स्तः, ये दो पत्ते हैं, बहुवचन बनाना है, तो एतत् एते एतानि, एते का बहुवचन बनेगा एतानि। पर्ण शब्द है और रूप चलते हैं पर्णम पर्णे पर्णानि, तो बहुवचन रूप पर्णानि। यह स्तः द्विवचन रूप, तो इसके रूप होते हैं अस्ति स्तः संति, बहुवचन रूप लिखा हमने संति, और वाक्य बना एतानि पर्णानि संति, ये सब पत्ते हैं। मयूरः नृत्यति, बहुवचन रूप बनाना है, तो मयूरः ये पुल्लिंग शब्द है, इसके रूप राम शब्द की तरह चलेंगे, रामः रामौ रामाः, मयूरः मयूरौ मयूराः, तो हमने लिख दिया मयूरः, और नृत्यति का बहुवचन नृत्यन्ति, तो वाक्य बना मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाच रहे हैं। एतानि यानानि, ये सब यान, इसे द्विवचन में बदलना है, एतानि का द्विवचन एते और यानानि का याने, ये शब्द है यान और रूप चलते हैं यानम याने यानानि, तो द्विवचन रूप होगा याने और वाक्य बनेगा एते याने, ये दो यान। छात्रे लिखतः, दो छात्राएं लिख रही हैं, इसका बहुवचन बनाना है, छात्रा का बहुवचन छात्रा छात्रे छात्राः, और लिखतः ये द्विवचन रूप है, इसका बहुवचन रूप लिखती लिखतः लिखन्ति, तो छात्राः लिखन्ति, छात्राएं लिख रही हैं। नारिकेलम पतति, नारियल गिरता है, नारिकेलम का द्विवचन रूप नारिकेलम नारिकेले नारिकेलानि, तो द्विवचन रूप होगा नारिकेले, और पतति का द्विवचन पततः, तो नारिकेले पततः, दो नारियल गिरते हैं। अगला प्रश्न है, उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, दिए गए शब्दों को सही तरह से मेल करके वाक्य बनाएं। आइए इन शब्दों को समझते हैं। कोकिले दो कोयल, पवनः हवा, पुष्पम फूल, खगः पक्षी, मयूरः मोर, सिंहः शेर, विकसति खिलता है, नृत्यन्ति नाचते हैं, उत्पतति उड़ता है,
वहती बहता है या बहती है। गर्जंती गर्जते हैं या दहाड़ते हैं। कूजतः कूजती हैं। वाक्य बनेंगे, कोकिले कूजतः दो कोयल कूजती हैं। पवनः वहती हवा बहती है। पुष्पम विकसति फूल खिलता है। खगः उत्पतति पक्षी उड़ता है। मयूरः नृत्यन्ति मोर नाचते हैं। सिंहाः गर्जन्ति शेर दहाड़ते हैं। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।